अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाऊंगी ओजरी। बहुत ही मज़े की बनती है, मैं मटन की बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ओजरी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ओजरी मैंने मटन के लिए है और इसे मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म पानी में बॉईल कर लिया है और इस पानी को गिरा दिया। दो तीन दफ़ा मैंने ऐसे किया है। और ये मैंने आधा किलो लिए चॉप किए हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्चें लिए मैंने, और प्याज चॉप किए हुए मैंने एक बड़े साइज़ के लिए। टमाटर मैंने दो बड़े साइज़ के लिए। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। रेड मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है। तो अब मैंने एक हांडी ली है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 1/2 कप। तो मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया और इसे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को हम बस इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर कुक नहीं करना। अब मैं इसमें चॉप किए हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। उन्हें भी बस मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब मैं इसमें ओजरी ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। अब मैं साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी सब चीज़ों को। गोश्त में हम टमाटर बाद में डालते हैं, इसलिए हमारा गोश्त ताकि सही तरह भुन जाए। अब मैं इसमें सब मसाले ऐड कर दूँगी, जितने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे सब ऐड कर दूँगी और इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने इन्हें अच्छे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मेथी ऐड कर दूँगी। इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मेथी को हमने सबसे एंड में ऐड करना है, इसलिए इसकी ताकि खुशबू आए। तो हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हमें इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 लीटर पानी लिया मैंने, 4 कप। थोड़ा सा हम इसमें चम्मच हिला के और इसे कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि ये गल भी जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो देखिए, मैं आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा पानी भी सूख चुका है और ओजरी भी गल चुकी है। बिल्कुल हमारा थोड़ा सा पानी रह चुका है, लेकिन इतना पानी काफ़ी है। मैं अभी फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसके ऊपर धनिया ऐड कर दूंगी। धनिया हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका असर जो गर्म होता है, इसलिए हम इसमें धनिया ज़्यादा ऐड करेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़े की ओजरी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।